आपने SPF 25 लगाया हो या 50, इतनी आपको क्वांटिटी धूप में जाने से 10 मिनट पहले लगानी है और हर 3 घंटे बाद लगानी है। कुछ कंपनीज ऐसा भी एडवर्टीजमेंट और दावा ठोकती हैं कि SPF 100 है तो आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मगर एज अ डॉक्टर वो कुछ नहीं है, वो सब सिर्फ गिमिक्स हैं। आप प्लीज़ सनस्क्रीन को बार बार लगाएं अगर आप स्किन कैंसर वगैरह बीमारियों से बचना चाहते हैं, और सनस्क्रीन को ठीक क्वांटिटी मात्रा में लगाएं। यानी अगर मैं समझ पा रही हूँ कि चाहे SPF 25 हो, 50 हो या 100 हो, SPF होना चाहिए और उसका इस्तेमाल हर 3 घंटे पे होना चाहिए। जी बिल्कुल। और जी, और बच्चों के लिए हम केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन जिनके SPF होते हैं उसकी जगह सिंपल एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या जिंक बेंटोनाइट लगा सकते हैं। जी जी, एक अंतिम सवाल करना चाहूँगी, चूँकि पारा बढ़ रहा है और इस समय हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मई जून जुलाई ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो जब बाहर गर्मी होती है और घर में भी जब किचन में महिलाएं काम कर रही होती हैं उस वक्त भी हीट होता है, क्या उस दौरान भी इस तरीके के SPF प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए? जी बिल्कुल पल्लवी जी, इट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड कि हमें सनस्क्रीन जब हम ये बहुत ज़्यादा लाइट में बैठते हैं, कंप्यूटर में या टेलीफोन की स्क्रीन को यूज़ करते हैं, तो भी हमें सनस्क्रीन UVA UVB फिल्टर से बचाता है, और जो धूप की जो आँच होती है गैस की उससे भी हमें पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। उसमें आप दोबारा बेशक ना लगाएं, एटलीस्ट एक बार लगाएं जो 3-4 घंटे के लिए चल सकता है, क्योंकि उसमें UVA UVB उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी अहम जानकारियाँ दी हैं, तो जानकारियों को समझिए और इसे अपनाइए और अपने स्किन को बचाइए। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।